नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। बात करूंगा ओमान में जो नया कानून बना है क्वारंटाइन को लेकर, उसमें किन किन लोगों को छूट दिया जाएगा। क्या आप ओमान में फैमिली के साथ आप आना चाहते हो तो क्या आपकी फैमिली को छूट दिया जाएगा, या आप सीनियर सिटीजन के साथ ओमान में आना चाहते हो तो क्या उनको क्वारंटाइन में छूट दिया जाएगा या नहीं, पूरा डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बता दें कि 15 फरवरी 2021 को ओमान सरकार ने एक कानून बनाया था कि अब सभी का जो पहले पुराना कानून क्या था कि जैसे कोई भी बाहर से ओमान में आता है तो उसका होम क्वारंटाइन किया जाता था, ब्रेसलेट पहना के उसको ट्रैक किया जाता था। पहले ये कानून था जो कि 15 फरवरी 2021 से उसको चेंज कर दिया है ओमान की सरकार ने, क्योंकि लोगों ने उस ओमान सरकार को मजबूर कर दिया ये इस कानून को बनाने के लिए। क्योंकि क्या होता था कि बहुत सारे लोग ब्रेसलेट के साथ छेड़खानी करते थे, या बहुत सारे लोग बराबर 100% क्वारंटाइन का पालन नहीं करते, जिसके चलते ओमान सुप्रीम कमेटी परेशान हो गई और उनको ये कानून बनाना पड़ा। अब होटल में आपका क्वारंटाइन होगा तो आप कहाँ जाओगे, क्योंकि होटल मैनेजमेंट रहेगी उसका भी पूरा मतलब वहां पे कैमरा रहेगा, हर एक चीज रहेगा, वो उसको भी ध्यान रखना है कि ये क्वारंटाइन कर रहा है। तो बराबर से अब 100% क्वारंटाइन का रूल का पालन होगा। बात करें यहाँ पे किन लोगों को छूट दिया जा रहा है। मान लीजिए आप इंडिया हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अदर कंट्री से इस समय ओमान का विजिट करना चाहते हो आप अपनी फैमिली के साथ। अगर जो आपके फैमिली में कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है 16 साल के कम उम्र का है, तो उसका क्वारंटाइन होटल में नहीं किया जाएगा। उन सभी के लिए राहत दिया है ओमान की सरकार ने। भाई बच्चों का क्वारंटाइन होटल में नहीं अलाउ किया गया, 16 साल के नीचे का, 16 साल के जो प्लस हैं उनका मतलब क्वारंटाइन किया जाएगा, होटल में किया जाएगा, बाकी इन लोगों का होम में किया जाएगा, जो कि मतलब देखा तो काफी बेहतरीन अपडेट है। अब बात करते हैं सेकंड की बात करें तो आप सभी जैसे सीनियर सिटीजन के साथ आना चाहते हो, 60 साल प्लस हैं जो, उनको भी यहाँ पे ओमान सरकार ने बाकायदा बताया कि उन लोगों को भी छूट दिया गया है, जो कि काफी बेहतरीन। जो 60 साल के हो चुके हैं उनको भी ओमान सरकार ने मतलब होटल क्वारंटाइन में छूट दिया है, वो अपना होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, जो कि काफी बेहतरीन अपडेट है। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो जैसे जो लोग मतलब अपना दवा ववा कराने आए, मेडिकल के लिए आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, दवा ववा कराने या और कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए अगर जो ओमान में आते हैं तो उनको भी मतलब ये छूट दी गई है, जो कि काफी बेहतरीन। अगर जो आखिरी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमेट मतलब राजनीतिक, जैसे कोई भी राजनेता है ओमान में आने वाला किसी भी कंट्री का, तो उनको भी ये कानून, उनके ऊपर भी ये कानून नहीं लागू होता है, जो कि काफी बेहतरीन कानून है। क्योंकि कुछ लोगों, भाई सबके लिए तो नहीं छूट दे सकती ओमान की सरकार ना, कानून किसके लिए बनाया है, आप सभी के लिए बनाया, तो इसमें चाइल्ड को छूट दिया है, सीनियर लोग हैं उनको भी छूट दिया, जो डिप्लोमेट होते हैं, राजनीतिक होते हैं, वो लोग ओमान का विजिट करेंगे तो उनको तो नहीं कर सकते, क्योंकि ओमान के बहुत सारे लोग राजनेता हो गए, बाहर जाएंगे तो क्या उनको क्वारंटाइन किया जाएगा या वो किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसकी वजह से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को छूट भी दी गई है, जो कि काफी बेहतरीन है। तो अगर जो आप ओमान में विजिट करना चाहते हो तो सबसे पहले होटल का बुकिंग लाजमी है, आपको अनिवार्य कर दिया गया, बुक कर लीजिएगा, उसके बाद एयरलाइंस का टिकट आप जाके बुक कर सकते हो। कोई क्वेश्चन होगा तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। बगैर होटल बुकिंग की आपका एयरलाइन टिकट नहीं बुक हो सकता है, क्योंकि सीए ने, जो ओमान की सीए है, उसने बाकायदा सभी एयरलाइन को दिशा निर्देश जारी कर दिया कि ऐसा अब सभी को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये थी अपडेट, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।